ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ। तो लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के लिए हम लोग अपनी सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन डेवलप हो रहा है। अब इसी सीक्वेंस में हम अपने क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक वैसा ही वो ही क्वेश्चन रख रहा हूं जो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक वेज, पुली और ब्लॉक अरेंजमेंट है और कंडीशन ऑफ मोशन हमें बताई जा रही है। आइए देखते हैं इसको। नाउ वी हैव टू मासेस M1 एंड M2 एंड दे आर अटैच्ड। M1 इज 10 किलोग्राम, M2 इज 5 किलोग्राम एंड द एंगल थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। मैं बहुत जल्दी से इसे सॉल्व कर लेता हूँ बिकॉज पिछले लेक्चर में यही लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सो M2 चूंकि 5 किलोग्राम का है तो M2 के लिए जो वेट आएगा वो 50 आएगा डाउनवर्ड्स। यहाँ ऊपर की तरफ आप कह सकते हो एक टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही होगा T बिकॉज इट्स अ सेम स्ट्रिंग। M1 के लिए अगर आप इस बात को केयरफुली समझ पाते हैं तो यहां नीचे की तरफ अलोंग द प्लेन एक फोर्स आएगा जिसे आप लिख सकते हो M1 g sin थीटा। करेक्ट है बच्चों? बिकॉज न्यू यस आपने दिखाना है M1 g, इस तरफ जाएगा M1 g cos थीटा। तो अलोंग द प्लेन जो आता है वो साइन थीटा होता है। अब ये चीज हमें पता है तो मैं इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। अब M1 g sin थीटा के हिसाब से आप सोचें कि ये वैल्यू क्या बनेगी। M1 इज 10 किलोग्राम एज गिवन टू अस, 10 × g इज ऑल्सो 10 एंड sin 30 इज गोइंग टू बी हाफ। तो जो ये कैलकुलेशन अगर आप पूरा करते हो तो आपको पता चलता है कि इसका आंसर भी कितना है, 50 न्यूटन फिफ्टीन है। यहां पर भी हमको 50 न्यूटन मिला। तो आप अगर इस पूरे पुली ब्लॉक अरेंजमेंट को ध्यान से देखते हो तो M1 यहां से नीचे पुश मिल रहा है उसको 50 का, और उसी तरीके से M2 को यहां पे नीचे पुश मिल रहा है 50 का। तो ये सिस्टम कहीं भी मूव नहीं करेगी क्योंकि इसका नेट फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इमिडिएटली विद इन अ सेकेंड इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा 0 बिकॉज द सिस्टम इज नॉट मूविंग। ठीक हो गई बात? यस ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब सेम क्वेश्चन के साथ हमको सीरीज है, मतलब इसी क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी हमने हैंडल करनी है। इन द अबव प्रॉब्लम इफ M2 इज टू M1, तो M2 जो है वो M1 का 2 टाइम्स है एंड दे मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। इफ द पोजिशन ऑफ मासेस आर रिवर्स्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ M2 डाउन द इंक्लाइन प्लेन विल बी। ठीक है, तो एक रेशो का एक्सेलरेशन के रेशो का कंपैरिजन है। तो यही डायग्राम मैं आपके सामने दोबारा रखता हूं, बहुत ध्यान से देखें। M2 इज टू M1, तो मैं सिंप्लीफिकेशन कुछ यूं करता हूं कि M1 को मान लेते हैं M, तो M2 हो जाएगा 2M। करेक्ट है? ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज M1 को मैंने कंसिडर किया M, तो M2 एज पर क्वेश्चन इज 2M1 ना, तो M2 क्या हो जाएगा, 2M। क्लियर हुई बात? यस सर अब ध्यान से यस देखें ये 2M है तो इसका आंसर आ जाएगा 2MG। यहां ऊपर की तरफ आएगा टेंशन T, यहां आ जाएगा टेंशन T, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो जाएगा MG/2। समझे बेटा बात को? MG sin थीटा, sin 30, sin 30 इज हाफ, तो ये MG/2। क्लियर भी बात ये? अब आप ध्यान से देखें तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहां वाला फोर्स ज्यादा है, इट्स 2MG एंड दिस इज MG/2। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये सिस्टम ऐसे मूव करेगी डाउन नीचे की तरफ और ये ब्लॉक जाएगा अलोंग द प्लेन अप। अब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें लिखना चाहिए 2MA और यहां पे हमें लिखना चाहिए MA एक्सेलरेशन। ये भी क्लियर हो गया सबको?
यस यस। सर, यस सर। अब दोनों ब्लॉक्स के लिए ना हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो वी हैव एन इक्वेशन 2MA इज इक्वल टू 2MG माइनस टी, और सेकेंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन है एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एमजी बाई टू। जस्ट एड दीज टू इक्वेशंस। एडिशन इसलिए करना क्योंकि एक प्लस टी और एक माइनस टी फैक्टर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी का कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3MA इज इक्वल टू 2MG माइनस एमजी बाई टू विल बिकम 3MG बाई टू। ठीक है, 2MG में से आधा एमजी गया तो 1.5MG बचता है। 1.5 का मतलब 3/2 हो गया। आप देख सकते हैं यहां से ये एम फैक्टर कैंसिल हो जाता है, 3 3 भी हमने कैंसिल कर दिया, तो हमें पता चला कि एक्सेलरेशन इज जी बाई टू। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी और सोचना है हमें। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि इफ द पोजिशन ऑफ द मासेस आर रिवर्स्ड, यानी कि एम टू को वेज पे रखना और एम वन को हैंग करना। ठीक है, एम टू को वेज पे रखना और एम वन को हैंग करना। तो लेट मी पुट द डायग्राम वंस अगेन। फिर एक बार मैंने डायग्राम यहां पे पुट अप कर ली। अब जैसा क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है, ये हमारा एम वन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा एम टू। ठीक हो गई बात। यस सर, फिर हमें कंपेयर करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एम वन इज जस्ट एम जी, टेंशन वॉट एवर इज कमिंग टी। ठीक, यहां पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बात को समझें, 2MG साइन थीटा, करेक्ट, 2MG साइन थीटा, यस सर, या ऊपर की तरफ फिर एक बार टेंशन टी। अच्छा, ये मैं क्लियरली मेंशन कर दूं तो यहां पर साइन 30 आना चाहिए, साइन 30 आना चाहिए। साइन 30 इज हाफ, कैंसिलेशन के बाद ये हो जाएगा एम जी। अब हम फिर एक बार यहां पे क्लियरली देख पाते हैं कि इस ब्लॉक को नीचे एम जी मिल रहा है और यहां पे फिर एक बार एम जी मिल रहा है। दिखा, तो क्या ये यस, सिस्टम मूव करेगी? नो, नहीं मूव करेगी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जीरो जीरो, होना चाहिए। सो दैट इज द केस। तो वो बता रहा है इफ द पोजिशन ऑफ द मासेस आर रिवर्स द एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन विल बी। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन उसका एक्सेलरेशन एक्सपेक्टेड क्या है? तो एक्सपेक्टेड तो जीरो है। अगर इसके एक्सेलरेशन को मैंने ए डैश भी बोल दिया तो मुझे उसका आंसर तो जीरो ही लिखना है। तो क्या यहाँ पे कोई जीरो वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको? ये 2A है, ए है, ए बाई टू है, मतलब इसकी कंपेरिजन में। तो वी डोंट हैव एनी सच आंसर, तो फिर हमें एट द एंड ऑप्शन पड़ेगा डी ऑप्शन, नन, आज क्योंकि हमारा ओरिजिनल आंसर जीरो है। और ये जो बोला ना इसने कि इसको 2M मानो, इसको M मानो, तो ये हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं, 5 और 10। समझ रहे हैं? रिवर्स डी, यस करने के बाद, क्योंकि M1 को हम M मान रहे हैं और M2 को 2M मान रहे हैं, तो यहां पे अगर मैंने डबल मास लगा दिया, आई ना बात समझ में? तो बिल्कुल वैसे ही किया था। देखो, इससे पहले हमने इधर किया था, हमने 50, इधर किया था 100, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो दोनों बैलेंस होकर के एक्सेलरेशन जीरो आया था। एनी हाउ, बात क्लियर होगी सबको अच्छे से? यस सर। सर, अच्छा, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। टेंशन पूछ रहा है वो, टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसी तरीके की सिचुएशन में कि एम टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम वन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, इफ द पोजिशन ऑफ द मासेस आर रिवर्स्ड देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोई नया सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम पहले टेंशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एम टू इज 2 टाइम्स ऑफ M1, ये कंडीशन उसी तरीके की है। तो यहां से अगर मैं टेंशन का कैलकुलेशन करने लग जाता हूं तो पहले मुझे ए का वैल्यू यहां पे पुटअप करना पड़ेगा। तो मैं इसमें से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लूं, ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं।
एम ए ए की जगह मुझे लिखना है जी बाई टू इज इक्वल टू टी माइनस एम जी बाई टू, देयर फोर टी इज इक्वल टू एम जी बाई टू प्लस एम जी बाई टू, यानी कि टेंशन आ गया एम जी, करेक्ट? करेक्ट है? हाँ, यस अब यहां टेंशन कितना होगा? अब यहां पे आप टेन देखो, ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है और वैसे ये ब्लॉक भी मूव नहीं कर रहा है, तो हमें सिंपल यही बोलना पड़ेगा ना, टी इज इक्वल टू एम जी, और क्या, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे भी हमें यही क्लेम करना होगा कि टी इज इक्वल टू एम एम। जी तो मासेस रिवर्स करने के बाद भी टेंशन स्ट्रिंग में उतना ही रहेगा जितना पहले था, अगर पहले टी था तो बाद में भी टी रहेगा, बिकॉज टी इज इक्वल टू एम जी, दूसरे केस में भी टी इज इक्वल टू एम जी आया, तो टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि पहले सिचुएशन में ब्लॉक मूव कर रहे थे, दूसरे सिचुएशन में मूव नहीं कर रहे हैं। आ गया समझ में ठीक से? यस, क्लियर हुआ यस नहीं? सर। ओके, अब फिर वो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम इफ एम वन इज इक्वल टू एम टी एंड एंगल थीटा, एम वन इज इक्वल टू एम टू देन एंगल थीटा इज 30, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो फिर एक बार सिस्टम को हम कॉपी कर लेते हैं, और इस बार उसने कहा कि भाई दोनों मासेस सेम है, दोनों के दोनों मासेस जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो एक्सेलरेशन निकालें, ये काफी आसान है। देखो इसको भी एम रीड कर लो, इसको भी एम रीड करो, तो आप क्या बोलोगे, ये नीचे की तरफ क्या आ गया एम जी, इधर गया क्या टी, इधर भी क्या आया टी। देखो मैं जल्दी से लिख रहा हूं, बात को समझो, एम जी बाई टू बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 30, ये सबको समझ आ गया? क्यों लिखा मैंने एम जी बाई टू? यस पक्की बात? यस यस ठीक है ना? अब आपको क्या लगता है सिस्टम कहाँ मूव करेगी? देखें कहाँ मूव करेगी सिस्टम, ऐसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये अप द प्लेन जाएगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ेगा और ये नीचे उतरेगा, है ना? तो यस सर अगर ये ऐसे नीचे उतर रहा है तो इसके लिए आप लिख लो एम ए, और ये यूं ऊपर जा रहा है तो इसके लिए आप मेंशन कर लो एम ए, बिकॉज दोनों मासेस तो सेम है। अब इस पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी बाई टू, हमेशा कई तरह जैसे काम करते हैं वैसे काम करो, इन दोनों को एडिशन कर लो, एडिशन करने से बेनिफिट ये होगा कि एक प्लस टी एक माइनस टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है तो हमें आंसर मिला टू एम ए इज इक्वल टू एम जी बाई टू, एम एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू जी बाई फोर, ठीक है? एम जी में से एम जी बाई टू माइनस करेंगे तो एम जी बाई टू बचेगा, बात का कैलकुलेशन जी बाई फोर। अच्छा मैं इसको शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, याद करो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, डायरेक्ट हो जाएगा एकदम। अब नेट फोर्स देखो कितना है, ये नीचे खींच रहा है इधर एम जी से और ये नीचे खींच रहा है इधर एम जी बाई टू से, तो नेट फोर्स कितना हुआ, ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे, बोलो? ऐड करना गलत हो जाएगा, ऐड करना, दोनों का मोशन अगर सेम सेंस में है तब एडिशन होती है ना बेटा, मैं कल भी समझाया तुमको ये बात, दोनों एक ही तरफ पुल कर रहे हैं तो एडिशन करोगे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में पुल कर रहे हैं ना, ये चाह रहा है कि ये नीचे जाए और ये चाह रहा है कि ये नीचे जाए, अगर ये वाला ब्लॉक नीचे गया तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा, तो असलियत में ये एम जी इस एम जी बाई टू को अपोज कर रहा है,
या ये एम जी बाई टू इस एम जी को अपोज कर रहा है। कॉमन सेंस है, देख के समझ में आएगा। ऐड करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए? सबस्ट्रैक्ट एम जी में से एम जी बाई टू सबस्ट्रैक्ट करो, क्या बचा? सबस्ट्रैक्ट एम जी बाई टू। टोटल मास कितना? 2m। कैलकुलेशन एमजी पूरा करो, आंसर आया जी बाई फोर। ये सबसे आसान तरीका होता है, कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर टेंशन वेंशन निकालना है तब हमको थोड़ा इक्वेशन लिखना पड़ता है, अदरवाइज किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात। अब इसी के सीक्वेंस में क्वेश्चन कैरी हो रहा है कि अगर M1 M2 की वैल्यू 5 किलोग्राम है, थीटा 30 है, तो टेंशन क्या है? मतलब M1 M2 सेम ही मानना है। अच्छा, यहाँ पे हमको फिर एक आंसर टिक करना पड़ेगा ना। अब जी का वैल्यू कितना है? 10। ऑप्शन सी 10 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 2.5 पर सेकेंड स्क्वायर, तो सी से जाना चाहिए। अब आते हैं टेंशन में। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, तो कोई भी एक इक्वेशन आप पिक कर लें। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन पिक कर ली, तो आई हैव एन इक्वेशन एम ऑफ ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। तो समझ में आया, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब आप देखो, एम जी प्लस ए का वैल्यू जी बाई फोर, तो एम जी बाई फोर सॉल्व करने पे मिलेगा 5 mg/4। क्या कहते हो आप? टेंशन निकालना ही है तो वैल्यूज को पुट अप कर लो। m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10 और ये डिवाइडेड बाय 4। mg माइनस m, अरे हाँ, माइनस, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, इट शुड बी माइनस, जल्दी बताना था ना। माइनस माइनस करोगे तो ये सब बदल जाएगा। कितना होगा? 3 mg/4। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 3 आ जाएगा, तो 50 × 3 150, 150/4। बताइए क्या है आंसर एक्सपेक्टेड? यस, 37.5। यस, वेरी गुड, दैट इज 37.5 न्यूटन। तो ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर है। अब इसमें थोड़ी सी हमारी लर्निंग हुई कि भाई अलग अलग सिचुएशंस में मासेस इधर से उधर हम चेंज करते जा रहे हैं तो क्या हो सकता है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप जरा तेजी से करें। ठीक है, अगेन वी हैव बीन गिवन विद द टू ब्लॉक ऑन अ वेज, एंगल्स अलग अलग हैं, एक तरफ 37 है, दूसरी साइड में 53 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? बड़ा आसान है। देखो, ये साइड नीचे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 साइन 37। क्या कहते हो? 1000 कैसे आया बताओ? एम जी, एम इज 100, जी इज 10, और साइन अलोंग द प्लेन साइन आता है, ये हमें पता है, तो ये फॉरन होना चाहिए। और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे नीचे कॉस आता है, तो फिलहाल कॉस का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस चल रहे हैं पूरे, तो फ्रिक्शन नहीं रहने की वजह से एम जी कॉस थीटा का कोई रोल ही नहीं है, जो भी चलेगा अलोंग द प्लेन साइन थीटा चलेगा। अच्छा, साइन 37 कितना होता है? 3/3। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1000 × 3/5, 600, 200 × 3 600 हुआ 600 न्यूटन। अब इसी तरीके से आप यहां बताओ, यहां क्या लिखना चाहिए? 500। वेरी गुड, 500 sin 53। साइन 53 कितना होगा? 4/5, 4/5, तो कैलकुलेशन के बाद ये हो जाएगा 400 न्यूटन। ठीक हो गई बात। तो एक वैल्यू जो है हमारी वो 400 है और एक वैल्यू जो है हमारी वो 600 है।
ऑफ कोर्स आप यहाँ पे क्लेम करोगे कि ये टेंशन टी आया, ये यहाँ वाला टेंशन टी आया, हम ये फौरन समझ सकते हैं कि ये सिस्टम इधर मूव करेगी, आपको लिखना पड़ेगा 100A, ये सिस्टम ऐसे ऊपर मूव करेगी, आपको लिखना पड़ेगा 50A। दो इक्वेशन आप बना सकते हैं और सब कुछ अपनी जगह पर परफेक्ट है, ठीक है। दो इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट अप्रोच से जाए, जल्दी वाला अप्रोच, तो एक्सेलरेशन हमको लिखना होता है एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब सोच समझ के बताएं कि एफ नेट कितना है, कितना फोर्स एक्ट होगा। 200 वेरी गुड, परफेक्ट, शाबाश, 200। क्योंकि 400 और 200 के जो एफर्ट्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। टोटल यस मास कितना, 150 150। ये कट गया, ये कट गया, 20/15 यानी के 4/3 4/3। 4/3 के हिसाब से आंसर देखो क्या बनता है, सी 1.33 1.33। अब ये शायद राउंड ऑफ में दिया है या फिर मुझसे यहाँ डेसिमल पुटअप करने में गलती हो गई है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं ऑप्शन को, विल टेक दिस एज 1.33। आ गया ठीक से, यस सर ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें देखो हमने इक्वेशन भी नहीं बनाई है, अदरवाइज तो इक्वेशन से सॉल्व कराया जाता है, बट मैंने उसको भी अवॉइड कर लिया। हाँ अगर मुझे टेंशन निकालना है तो फिर मुझे किसी एक ब्लॉक की इक्वेशन जरूर बनानी पड़ेगी, वो तो उस वक्त जब मैं टेंशन को एडिशनली कैलकुलेट करने वाला हूं। तो अगर टेंशन कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हम, ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल के छोड़ रहे हैं, तो फिर जल्दी का काम है। अब यहां पे आप मुझे बताएं जल्दी से कम ये बता देंगे एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। चलिए फास्ट काम करें, ये अरेंजमेंट है, इधर देखते हैं पहले। देखो आपको समझता है कि मैंने क्या लिखा, टेन 10 sin 60। फाइव रूट थ्री न्यूटन हो जाएगा, क्या कहते हो? यस 10 sin 60। यस ऑफकोर्स इधर टेंशन टी हो जाएगा, इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो M2 मास है ये √3 किलोग्राम का है, √3 किलोग्राम का, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन √3 10√3 sin 30, mg sin 30, m√3 g 10 sin 30 हाफ, 503 5√3 तो ये भी हमारा हो जाएगा 5√3। बहुत बढ़िया, ए इज इक्वल्स टू न्यूटन। जीरो तो ये जीरो देखते ही हमको पता चलेगा कि भाई इस सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगा 0, मूव नहीं करेगा, 0। अच्छा आप पूछ रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन स्ट्रिंग में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन क्या है, 5√3 न्यूटन है, क्योंकि जितना टेंशन है उतना ही ये है, ये तो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, मतलब टी इज जस्ट बैलेंसिंग 5√3, खत्म। क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, यहां पर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो टेंशन इज 5√3। ठीक हो गई बात। अब आखिरी जो क्वेश्चन पूछा इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, ने बोला भी पुली पे कितना फोर्स आ रहा है, तो ये मैं पुली का अरेंजमेंट दोबारा आपके सामने बना दूं। ये पुली है, स्ट्रिंग ऐसी चल रही है इधर, और ये दूसरी वाली स्ट्रिंग ऐसी चल रही है इधर, तो यहां पे भी टेंशन आएगा टी और यहां पे भी टेंशन आएगा टी, समझने वाली बात है। क्योंकि ये टेंशन ऐसे दिखाए जा सकते हैं, इधर भी टी इधर भी टी दिखाए जा सकते हैं ना ये।
आप थोड़ा सा एंगुलर ज्योमेट्री आप ध्यान दें, ये 30 है, ये 60 है, और ये ट्रायंगुलर पोर्शन अगर कंसिडर किया जाता है तो टोटल 180 होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर पुली पे एंगल बनता है 90। तो इसका मतलब इन दोनों टेंशन के बीच में एंगल 90 बन रहा है। अगर मैं इनको एक पॉइंट रेफरेंस में बना दूं यहां पे ऐसे और ऐसे, तो ये 90 डिग्री पर है, ये भी टी है और ये भी टी है। तो इनका रिजल्टेंट पुली पर फोर्स, रिजल्टेंट यानी कि पुली पर आने वाला फोर्स, ध्यान से देखो ऐसे होगा। समझो बात को, वेक्टर एडिशन। अब कॉस 90 तो 0 हो जाता है, तो टी स्क्वायर 2t² रूट 2t, यानी कि पुली पर जो नेट फोर्स एक्सपेक्टेड है वो है √2 times of t, और t हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा √2 multiplied by 5 into √3। अब √3 और √2 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और आप फाइनल आंसर लिख सकते हो 5√6। ठीक हो गई बात? तो हम कह सकते हैं कि भाई पुली पे इतना फोर्स आ रहा है न्यूटन। ऑफ कोर्स यूनिट लगाएंगे तो न्यूटन ही लगेगा। डन। ओके, चलिए एक और देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूं, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मतलब इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। हियर इट इज गिवन दैट के देर आर टू आइडेंटिकल पुलीज एंड द अरेंजमेंट इज शोन टू अस ए एंड बी। द मास ऑफ द रोप इज निग्लिजिबल, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इन द टू केसेस इज, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे पूछ रहे हो। अब इसमें समझने वाली बात है कि यहां पे मैंने ब्लॉक लगाया है 2m का, और यहां पे मैंने फोर्स लगाया है उतना ही जितना 2m के ब्लॉक का आ सकता है। समझे ना बात को? फोर्स लगाना और ब्लॉक लगाना ऐसे अलग अलग है। तो पहले मैं ब्लॉक वाली सिस्टम सॉल्व करता हूं, तो ये मैंने ब्लॉक वाली सिस्टम ले ली। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना बहुत आसान है, देखो इस तरफ बताओ क्या होगा, टू एम जी, यहां नीचे क्या होगा, एम जी। ऑफकोर्स यहाँ पे आएगा टेंशन टी, यहाँ पे भी आएगा टेंशन टी, ये ब्लॉक जाएगा नीचे 2ma, और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर ma। अगर मैं नेट एफर्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, जो भी नेट एफर्ट लग रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। नेट एफर्ट अगर मैं ध्यान से देखू ना, तो ये बेटा एम जी है, परफेक्ट है, 2 mg और एम जी अपोजिट माइनस होंगे, ऐड नहीं होंगे, 3 mg नहीं आएगा, एम जी आएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। टोटल मास हो गया 3 m, तो mm कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन का आंसर हमको मिला g/3। तो यहां तो g/3 हो गया, लेकिन सिचुएशन बी जो है उसमें क्या होगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे सोचेंगे कि वैसा ही होगा जितना ए में है। नहीं, नहीं होगा सेम बेटा, फर्क पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या फर्क पड़ता है। यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, अगर यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है तो जाहिर बात है ये जो 2m है इसका फोर्स अगर बनाना है तो इसको 2 mg करना पड़ेगा, या नीचे क्या, mg, करेक्ट है, या ऊपर टेंशन टी। अब यहां भी टेंशन टी आएगा, और हम ये कह सकते हैं हम यहां 2 mg से पुल कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और इसका एक्सेलरेशन हो गया ma। ठीक है बात? तो इस जगह पे हम क्या क्लेम करेंगे, टी इज इक्वल टू
2 mg. हाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी हम बदल के चेक कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? एम ए इज इक्वल टू t-mg -mg टी माइनस एम जी। एम ए इज इक्वल टू टू एम जी माइनस एम जी। सही जा रहे हैं बिकॉज टी इज टू एम जी ना, यहां से हमको पता चल रहा है टी इज टू एम जी। टू एम जी में से एम जी गया, एम जी बचा। एम ए इज इक्वल टू एम जी, देयर फोर ए इज इक्वल टू जी। देखो एक्सेलरेशन में फर्क पड़ गया। अब आप एक छोटा सा काम करो, यहां वाले एक्सेलरेशन को वन वन बोल दो और यहां वाले एक्सेलरेशन को टू टू बोल दो, ताकि थोड़ा सा हमें फर्क समझ में आ जाए। अब हमें निकालना है रेशियो, तो वी जस्ट हैव टू राइट ए वन डिवाइडेड बाई ए टू, दैट इज जी बाई थ्री डिवाइडेड बाई जी, देयर फोर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू वन बाई थ्री। करेक्ट हो गई बात, 1:3। तो कितना फर्क पड़ता है देखो, अगर ब्लॉक न लगाते हुए उतने ही ब्लॉक के ही वेट के बराबर से पुल किया तो फर्क डिफरेंस है, और ब्लॉक लगाया तो डिफरेंस है, क्योंकि पुल करने में और ब्लॉक लगाने में एक बड़ा मेजर चेंज ये है कि यहाँ पे ब्लॉक को भी मूव करना पड़ता है अगर ये नीचे जा रहा है तो, और यहाँ पे कोई चीज नहीं जा रही नीचे तो वो एफर्ट एड ऑन हो जाते हैं, वो ब्लॉक को मूव करने वाली एनर्जी यहाँ पर हमारी बच जाती है, ज्यादा एक्सेलरेशन से हम पुल कर पाते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिला वो जी बाई थ्री मिला, और यहाँ पे जो मिला वो डायरेक्ट जी मिला। ठीक है, ठीक हो गया। यस यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे भी आप थोड़ा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ वी हैव अ 10 किलोग्राम ब्लॉक केप्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन एंड इज बीइंग पुल्ड बाय अ स्प्रिंग बाय अप्लाइंग अ 200 न्यूटन फोर्स। 10 न्यूटन फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक। तो ये ब्लॉक पे इसके मास के अलावा और 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है, तो टेंशन एक्सेलरेशन पुली वाला फोर्स ये सब कुछ हमको निकालना है। एक एक करके काम शुरू करें। एक्सेलरेशन तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, बहुत सिंपल है एक्सेलरेशन निकालना। आप ऐसे सोचो कि यहां पे जस्ट एक पॉइंट इमेजिन करो, तो ये हो गया टेंशन टी, ये भी हो गया टेंशन टी, और ये ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, है ना? तो 10 kg का मतलब हो गया 100 sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। हाफ। 100 sin 30 मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूं, ये आपने करना है। 10 kg का इधर नीचे कंपोनेंट 100 sin 30 mg sin थीटा mg sin 30, तो ये 50 हो गया, और एडिशनली वहां पे 10 ऑलरेडी लग रहा है, तो जारी बात है रोप के इस तरफ ज्यादा फोर्स है 200 न्यूटन का और इस तरफ कम है, तो ये हमें फौरन समझ में आएगा कि ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चाहेगा। ठीक है, ऑन द प्लेन, अप द प्लेन रादर है में से, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं 10A 10A। ठीक है, पहली इक्वेशन टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन, तो पहले का आंसर आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है तो यहां पे कैलकुलेशन करें, 10A इज इक्वल टू टी माइनस 60। 10A इज इक्वल टू 200 माइनस 60। 10A इज इक्वल टू 140। A इज इक्वल टू 14 m/s² आ गया था सबका यही आंसर। यस हम इसको नेट एफर्ट से भी निकाल सकते हैं,
कोई खास बात नहीं है, सीधे सीधे नेट एफर्ट से निकालें आप इसको। इधर 200 है, इधर 60 है, माइनस करें 160 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज ओनली 10, सॉरी 140, 140 डिवाइडेड बाय 10, 14, खत्म। इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा पुली पे कितना फोर्स आ रहा है, तो पुली वाला फोर्स आप निकालने के लिए ये पुली को इमेजिन करेंगे आप ऐसे, एक फोर्स जा रहा है इधर 200, दूसरा फोर्स जा रहा है इधर 200, ऐसे ही आएगा ना देखो बेटा, इधर और इधर पुली के रेफरेंस में, करेक्ट है ना। टी इज 200। अब ये बताओ पुली का नेट फोर्स यहां एंगल कितना बन रहा है, 90 खत्म। 200 रूट टू न्यूटन, जरा सोचना तो मैंने क्यों लिखा ऐसे। यस क्लिक होना चाहिए आपको, इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लिक होना चाहिए, सोचना जरा मैंने क्यों लिखा। यस अंडर रूट में 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, 200 रूट से बाहर लाए, 2 अंदर छूट गया। ओके अब ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग इन द सेंस नंबर ऑफ उसमें जो सब क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा है, करें ठीक से देखें। तो एज पर अरेंजमेंट अगर हम सोचते हैं तो 60 किलोग्राम का पेंटर है, 15 किलोग्राम के एक प्लेटफॉर्म पर एक लिफ्ट पर जो है वो खड़ा है और उसकी रोप वो खुद ही पुल करने वाला है। एज पर क्वेश्चन वो 400 न्यूटन के फोर्स से उसको पुल करता है नीचे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन निकालें, दूसरा क्वेश्चन है इतनी स्पीड आने के हिसाब से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो, और तीसरा क्वेश्चन है कि फिर एक बार कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले एक्सेलरेशन तो सॉर्ट आउट कर लें। देखो एक कंबाइन लेवल पर इस पूरे लिफ्ट और पेंटर का मास मिला के नीचे कितना हो जाएगा, 750। ऐसे करते हैं एम प्लस एम जी, यानी कि 60 प्लस 15 इंटू जी, एंड वॉट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट 750। बट मैं इसको थोड़ा जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूं क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से हम बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां ऊपर की तरफ आएगा टेंशन टी, यहां भी आएगा टेंशन टी। प्रॉब्लम ए के हिसाब से मैं अगर बात करूं ना तो T इज इक्वल टू 400 न्यूटन प्रॉब्लम ए के हिसाब से, क्योंकि ये जितनी जोर से खींचेगा, जितने ताकत से, जितने फोर्स से ये खींचेगा उतना ही टेंशन स्ट्रिंग में आएगा, और उसने बताया भाई 400 से खींच रहा है नीचे, नीचे जा नहीं रहा है, ये बोलने का मतलब है 400 से नीचे खींच रहा है। ये जो एरो है ना ये मोशन का एरो नहीं है, पुल करने का एरो है यहां, तो ये ऐसे पुल करेगा तो टेंशन तो स्ट्रिंग में अपवर्ड ही दिखाना पड़ेगा ना। सही लग रही है बात? Yes. अब ये पूरी सिस्टम ऑब्वियस बात है बेटा, पूरी सिस्टम ऊपर जाएगी, तो जब ये ऊपर जाएगी पूरी सिस्टम हमको लिखना पड़ेगा एम प्लस एम इंटू ए, क्या कहते हो? इक्वेशन क्या बनेगी, एम प्लस एम इंटू ए इक्वल, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2t माइनस एम प्लस एम इंटू जी। तो जब कभी भी हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा हमको ये करना पड़ेगा, 2t माइनस एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ठीक हो गई बात? अब जब हम केस ए सॉल्व करने वाले हैं तो हमें बोला गया है कि टेंशन इज 400, तो 2 इंटू 400 ये हो गया 800, माइनस एम प्लस एम 60 प्लस 15 इंटू 10 आपने बताया था अभी मुझे 750, एम प्लस एम 75,
तो बिल्कुल आसान है, 50 डिवाइडेड बाय 75, करेक्ट हो गई बात, 2/3, 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। तो ए पार्ट का आंसर ये है कि भाई फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल एज दैट ऑफ द पेंटर, जब वो 400 न्यूटन का फोर्स रोप को पुल करने में अप्लाई कर रहा है। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द रोप सो एज टू अटेन द अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 1 सेकंड। ये जो दिया ना इसने हमको कंफ्यूज कर रहा है, स्पीड पर सेकंड, स्पीड पर सेकंड का मतलब क्या है? वेलोसिटी पर सेकंड, इसका क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 1 सेकंड मतलब एक्सेलरेशन ही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केस बी में हमें बताया गया कि एक्सेलरेशन अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं तो हमको फोर्स कितना लगाना है, यानी कि टेंशन कितना देना है रोप पे, क्योंकि जो टेंशन है वही उसका अप्लाइड फोर्स होगा। जो टेंशन होगा वही उसका अप्लाइड फोर्स होगा, करेक्ट। अब आप यहां पे इस फॉर्मूले को एज इट इज अप्लाई करें, एज इट इज, सिर्फ डेटा को चेंज करना है आपने, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जनरलाइज बना दिया। तो ए का वैल्यू मुझे रखना है 1, 2 टेंशन पता करना है, ये तो मैं जानता हूं 750 है, डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में आया 75, तो ये हो गया 75 इज इक्वल टू 2t माइनस 750। तो कैलकुलेशन कैरी ऑन होता है, 2t इज इक्वल टू 75 प्लस 750, देयरफॉर 2t इज इक्वल टू 825। कैलकुलेशन पूरा करें, 2 से डिवाइड करके बता दें क्या एक्सपेक्टेड आंसर है, 412.5 न्यूटन। इतने फोर्स से आपको पुल करना है, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, यानी कि हर 1 सेकंड में ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेन करेगा। ठीक हो गई बात। अब इसका थर्ड पार्ट, व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई नाउ टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, ये बताएं कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? समझो बात को, क्या लिखा हमने? एक्सेलरेशन इज जीरो। हाँ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। अगेन मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा सी पार्ट सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं एक्सेलरेशन को जीरो पुट अप कर दूंगा, तो ये हो गया 2t m प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाय m प्लस m। अब एक्सेलरेशन मैंने जीरो कर देना है क्योंकि मुझे तो कांस्टेंट स्पीड अटेंड करनी है, तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 750 डिवाइड बाय 75। 75 दूसरे साइड में मल्टीप्लाई हो गया, वो भी 0 हो गया। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर ले, 2t इज इक्वल टू 750, देयरफॉर t इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 2, t इज इक्वल टू 375 न्यूटन, दैट इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। समझ रहे बात को? ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए एक और सीरीज ऑफ लेक्चर करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक साथ मैं समझता हूं 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, इसलिए हर बात को अच्छे से समझना। तो एक फिगर में हमको m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2 बताया है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने उसको रिलीज करना है और हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होंगे m1 m2 के।
ठीक है, इनफैक्ट उसने बोला कि एम वन का एक्सेलरेशन ए है तो एम टू का क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन इज। और ये रही सिस्टम। ठीक हो रही है बात। वैसे देखा जाए तो ये जो एम टू मास है ना, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब ग्राउंड पे रेस्टिंग कंडीशन में, और एम वन मास हैंगिंग है फ्लोर से, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर। अब सिस्टम को जब फ्री कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, तो एम टू उतरेगा नीचे और एम वन जाएगा ऊपर। तो इसके लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, उससे पहले एक छोटा सा मैं काम करता हूं। एम टू को मान लेते हैं एम, तो एम वन हो जाएगा 4m। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि कैलकुलेशन को हम जल्दी से निपटा सकें। सही हो रही है बात? Yes, sir. M2 is M, so this will become Mg. टेंशन T, वही टेंशन, सिंगल स्ट्रिंग है, कॉन्स्ट्रेंट पढ़ चुके हैं, इधर भी T, इधर भी T। ये नीचे की तरफ मैं दिखा रहा हूं, यहां पे 2mg। अब बेटा ये सिस्टम ऊपर उतरेगा, सॉरी ऊपर उठेगा, एम ए टू, लेट मी कॉल दिस एज ए टू, एक्सेलरेशन आर नॉट सेम क्योंकि पुली के अक्रॉस वो घूम के गया है इसमें। ये ब्लॉक नीचे उतरेगा, लेट मी कॉल दिस एज 2MA1, नॉट 2M, यहां मैं 2 लिख रहा हूं, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, 4M होना चाहिए ना, ये 4 होना चाहिए ना बेटा, देखो 4 दिया ना उसने। यस ओके, एंड लेट मी टेल यू, यहां पर भी टी है और यहां पर भी टी। अब कंस्ट्रेंट की कंडीशन याद करो, कंस्ट्रेंट की कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, लिखते नहीं लिखते है? या तो आप यहाँ पे पॉइंट मेथड लगाएं, या टेंशन वाला मेथड लगाएं, या पूरा कंस्ट्रेंट के डिस्प्लेसमेंट मेथड लेके सॉल्व करें। कंस्ट्रेंट पर मैंने 4 लेक्चर लिए आपको पूरे, वहां पे सारी चीजें बताई आपको, समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिखते हैं, देखो टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लिखेंगे टी ए टू। यहां लिखते हैं तो टेंशन ऊपर जा रहा है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस 2t, 2t इसलिए बिकॉज इधर भी टी दोनों मिला के लिखना पड़ेगा, 2t a1। ब्लॉक के मासेस की तरफ ध्यान नहीं देते हम, और ये सब मिला के हमको करना पड़ेगा 0। कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, a2 इज इक्वल टू 2a1। अब क्वेश्चन में M1 मास के एक्सेलरेशन को सिर्फ a बोला है, तो मैं कह सकता हूं कि a2 इज इक्वल टू 2a। M2 मास M1 के मुकाबले में डबल एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक हो गई बात? अब तक 2a क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर होगी बात ये? यस सर। नहीं हुआ शायद सर, सबमिशन अधूरा है तो पूछ लेना आप ही बैठेंगे तो मैं क्या आगे बढ़ने लग जाऊंगा, और कॉमन सेंस अभी नहीं समझ में आया तो जब पूछ रहा है जब तो बोलना चाहिए सर ये बात क्लियर हो गई आपका, मैं 4 बार पूछता हूँ। Yes. स्पीड तक। अच्छा ये तो समझ में आ गया आपको, फ्री बॉडी डायग्राम से समझ में आ गई? यस। अब कंस्ट्रेंट की ना एक कंडीशन है, अगर आपने कंस्ट्रेंट मोशन के मैंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो तकलीफ होगी, मतलब वो समझ नहीं आएगा। कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, उसमें से मैंने यहाँ पे टेंशन वाली ट्रिक को अप्लाई की, पूरी कनेक्टेड स्ट्रिंग में समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ये हमेशा 0 होता है,
हर एक ब्लॉक पर आने वाले टेंशन और उसके पॉसिबल एक्सेलरेशन के सम करते जाओ तो वो जीरो होता जाएगा, प्रोडक्ट को सम करते जाओ तो जीरो होगा। तो आपने देखना है डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव लेना है और डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव लेना है। तो ये टेंशन और ये एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है इसलिए आपने लिखना है TA2। और यहाँ के दोनों टेंशन और ये एक्सेलरेशन जो कि नीचे है और टेंशन ऊपर है तो ये निगेटिव लेना है, तो आपने लिखना है 2T into A1 और ये सब मिला के होना चाहिए जीरो। सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन समझ आ जाएगी। यस इन द अबव प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ ए इज, अब ए की वैल्यू निकालो मतलब A1 निकालना है ये बात। यहां देखो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिख दो, आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन लिखो, आप क्या लिखो राइट फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन 4MA1 इज इक्वल टू 4mg-2t, क्या कहते हो? यस सर। ठीक है अच्छा A1 इज ए, तो लेट्स मी राइट द सेम इक्वेशन वंस अगेन। 4MA is equal to 4mg-2t, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू ट्राई टू राइट द सेम इक्वेशन और सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन फॉर द सेकंड ब्लॉक, इसके लिए बोलो क्या लिखूं मैं इक्वेशन। M8 MA2, A नहीं लिखोगे आप, A2 उसका एक्सेलरेशन अलग है, इन दोनों का ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। MA2 इज इक्वल टू बताएं क्या लिखे, देखा एमजी क्या माइनस टी माइनस रॉन्ग, MG बोले तो रॉन्ग, ऊपर जा रहा है ये, फंडामेंटल्स भूल रहे हो, MG कैसे लिखोगे आप, T-MG, T-MG क्लियर। यस सर। क्लियर अच्छा A2 का वैल्यू क्या है, तो टू ए इक्वेशन ऐसी हो गई 2MA is equal to T-MG। लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है तो आई विल जस्ट इलिमिनेट द वैल्यू ऑफ T, T को इलिमिनेट करना है, तो मैं सिंपल ऐसे करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 into 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 में ऐड करो, तो सी दीज इक्वेशन बिकम्स 4MA is equal to 4MG-2T, अगेन 4MA is equal to 2T-2MG, इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद मैंने उसको इक्वेशन 1 में ऐड किया। ऐसा करने से 2T 2T फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जिसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव है सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, सो दैट गेट कैंसल्ड, ये आपस में कैंसल हो गया, दिस विल बिकम 8MA is equal to 2MG, MM भी कैंसल होता है और आपको आंसर मिलता है A is equal to 3/4, ये रहा आपका। ठीक हो गई बात, यस। नाउ यस सर। इन द सेम प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम स्प्रिंग में टेंशन कितना है, अब स्प्रिंग में टेंशन कितना है ये निकालना कोई खास बात नहीं, जस्ट हैव टू सी भाई क्या वो भी एक्सेलरेशन आया है किसी भी ब्लॉक की इक्वेशन में, पुटअप कर लो आप। तो मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारे M2 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 के लिए, क्यों ना M2 वाली इक्वेशन यूज की जाए, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 M2 ब्लॉक के लिए है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो M दिख रहा, हम कैसा बोल रहे हैं, अरे बेटा मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है M2 equal to M, कैलकुलेशंस आसान हो इसलिए जल्दी सब्ट्रैक्शन होते हैं, नहीं तो यहाँ एक M1 रहेगा एक M2 रहेगा, आप परेशान हो गए, माइनस नहीं हो पाएगा ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैंने वैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि M2 is equal to M, तो आप ये सेकंड नंबर वाली इक्वेशन यूज करें, सेकेंड वाली इक्वेशन हमको क्या दिख रही है 2MA is equal to T-MG। अब देखें ये हो जाएगा 2M2G/4 बिकॉज A is G/4, अब अभी अभी हमने प्रूव किया, इज इक्वल टू टी माइनस
m to g, t becomes equal to m to g by 2 plus m to g. देख ले जरा, यहाँ से m to g इधर लिया, ये 2 और 4 काट दिया, तो बताएं आंसर क्या होगा? 3 m to g by 2. यस, ये हो गया डी ऑप्शन, है ना? प्योर 3-4 क्वेश्चन है इसमें, इंडिया वो प्रॉब्लम, इंडिया वो प्रॉब्लम, इंडिया वो प्रॉब्लम करना है, अभी खत्म करना है ये सेक्शन, आ जाते हैं 5-10 मिनट हम ज्यादा चलेंगे. आइए नेक्स्ट, इन द अबव प्रॉब्लम टाइम टेकन बाय m1 इन कमिंग टू रेस्ट पोजीशन विल बी, m1 को कितना वक्त लगेगा कि वो नीचे रेस्ट में आ जाए. अब आप m1 की हालत देखो, ये m1 है, उस पे एक्सेलरेशन a1 है, a1 का वैल्यू a है और a हमने निकाला g/4. अब क्या m1 नीचे गिर रहा है? बोले जल्दी जल्दी. अरे हाँ या ना बोले. यस एम1 नीचे ही आ रहा है ना, जल्दी से आंसर देना चाहिए आपने. क्या एम1 नीचे गिर रहा है? हाँ गिर रहा है, नीचे ही आ रहा है. मैं सुनना चाह रहा हूँ आप, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या एम1 मास नीचे आ रहा है? यस सर. यस सर. कितना डिस्टेंस नीचे आने के बाद वो फ्लोर पे टच करेगा? 20 मीटर. कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? A1. A1 means A means g/4. अगर आप m1 की कहानी फिर एक बार समझते हो तो ये m1 मास बेसिकली 20 मीटर नीचे गिरेगा और इसके नीचे गिरने का एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू है g/4. इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगानी पड़ेगी. यस समझ रहे हैं बात? तो आपने टाइम निकालना है तो आप बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन अप्लाई कर ले, एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. m1 मास 20 मीटर डिस्प्लेस करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्लस a की जगह आप मेंशन कर लें g/4 और ये आपको निकालना है टाइम का स्क्वायर. तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू e का स्क्वायर. हो रही है बात? चलो थोड़ा सा मुझे एक डाउट यहाँ पे ये लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ये 20 के साथ तो यूनिट नहीं बताया कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, और आंसर्स अगर मैं मीटर में करता हूं तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 16 के बाद ये आंसर आएगा 4, लेकिन 4 कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है. तो इससे मैं गेस कर रहा हूं कि ये 20 मीटर नहीं है बल्कि ये 20 सेंटीमीटर है. अब 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा 10 to the power -2, फिर एक बार यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा 10 to the power -2. कैलकुलेशन हो जाएगा 16 × 10 to the power -2, टी अंडर रूट में हमें लिखना होगा 16 × 10 to the power -2, रूट से बाहर आएगा 4 × 10 to the power -1, यानी कि टी का आंसर हो जाएगा 0.4 सेकेंड. ठीक हुई बात? यस सर. देखो काइनेमेटिक्स लग गया यहाँ पे, समझ लो बात को. अब इसी क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन इंडिया वो प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं एडवांस में, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये. m2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0.4 सेकंड? तो आपको पहले m2 की हालत समझनी पड़ेगी कि m2 के साथ हो क्या रहा है. ये है m2, ये पेन रेस्ट पे रखा हुआ था ग्राउंड पे, अब ये ऊपर उछलेगा क्योंकि ये m1 अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर उछलेगा. कितने एक्सेलरेशन से? a2, और याद रखना a2 is 2a and a is g/4. तो
अगर मैं यहाँ पे ही इसको जस्टिफाई कर दूं तो ए टू का वैल्यू आएगा 2a, ए टू इज इक्वल टू 2 × 3/4, यानी कि ए टू इज इक्वल टू 3/2। बेटा बात ठीक हो रहा है? हाँ यस अब सर, एम टू की हालत देखो क्या है। एम टू ऐसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, ये जाने वाला है ऊपर और इसके ऊपर जाने का एक्सेलरेशन है g/4 अपवर्ड्स, अपवर्ड g/4 एक्सेलरेशन है उसके पास। सॉरी g/4 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना g b/2 बाई टू बाई मैंने अभी बता दिया आपको g/2 क्यों, क्योंकि एम टू का एक्सेलरेशन जो हमने प्रूव किया था 2a है और a हमने निकाला था g/4, इसलिए ए टू विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ एम टू विल बिकम g/2। अब इसमें भी काइनेमेटिक्स लगा दो आप, खत्म। एस डिस्प्लेसमेंट जो वो मूव करेगा यूजी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वैल्यू 0 प्लस हाफ, इसको लिख दो g/2 इनटू टाइम, यहाँ पे आप लिखो 0.4 का स्क्वायर, ठीक है 10/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, 0.16 10 × 16 × 10⁻², विच आई सॉल्व आई मे गेट 40 सेंटीमीटर। चेक कर लो जरा, वेरी गुड। बी नहीं आएगा, ये आएगा, क्यों बता रहे हो, ये आया 40। पॉइंट फोर का स्क्वायर 0.16, अभी छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आना चाहिए आपको, चेक कर लो इसको ठीक से। अब यस नेक्स्ट, इसी सीक्वेंस में इसी पैराग्राफ में अगला क्वेश्चन, एम टू की वेलोसिटी क्या होगी बोल रहा है। अब एम टू की हालत आप समझ लो, मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ये एम टू है, इसे जाना है ऊपर, ऊपर जाने वाला इसका एक्सेलरेशन है g/2, तो ये ऊपर उछले गए। अब 0.4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो काइनेमेटिक्स लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइनल यू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन g/2 इंटू टाइम 0.4, g का वैल्यू 10, ये 2, ये 0.4, आंसर साफ साफ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आ रहे है? यस लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना। लास्ट, इसी प्रॉब्लम में ये बताओ कि एडिशनल डिस्टेंस एम टू कितना चलेगा, एडिशनल डिस्टेंस कितना चलेगा, ये बड़ी मजेदार बात है। आप पहले तो ये कितना गया है 40 सेंटीमीटर, तो ऊपर गया। अब यहाँ डायग्राम पे अच्छे से नजर डालो आप, M1 नीचे आते 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 जब ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, M1 ने टोटल कितना ट्रैवल किया, 20 सेंटीमीटर, M2 ने कितना किया 40 40। अब जब यहां पे M2 पहुंच चुका, M2 जब यहां पहुंचेगा, ठीक है यहां पहुंच गया था, अब ये जो 20 का 40 है आंसर, ये बगैर कैलकुलेशन के भी मैं बता सकता हूँ चालाकी से, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन डबल आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल और वेलोसिटी भी डबल, यस इतना तो आना है हमको, कंस्टेंट मोशन में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया आपको बताया। वेल आई वाज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां जब ये 40 मीटर ऊपर आ चुका तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, निकाले अभी हमने वेलोसिटी,
जीरो नहीं हुई वेलोसिटी इसकी, इसकी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये ग्राउंड टच करेगा, ये यहां उछल रहा है अभी, इट इज जंपिंग, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है बल्कि कितनी हुई यहां पे आते आए। 2 मीटर अब उस 2 मीटर पर सेकंड से क्या ये और थोड़ा उछलेगा ऊपर, ये स्ट्रिंग स्लैंग हो जाएगी थोड़ा सा, सोचिए। समझ आ गया तो बोलिए हाँ ना। ये जब 20 इधर नीचे टच करेगा तब तक ये 40 आ गया, अब ये नीचे टच कर चुका है तो इसके बाद स्ट्रिंग वाला मोशन, कंस्ट्रेंट वाला मोशन बंद हो गया क्योंकि जगह ही नहीं है मूव करने के लिए। तो ये यहां पर जब पहुंचा तो ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसने अटेंड कर ली थी, उस स्पीड से ये हल्का सा ऊपर उछलेगा, एडिशनल हाइट गेन यस करेगा और उस वक्त स्ट्रिंग थोड़ी सी स्लैक भी हो जाएगी, हिली पड़ेगी स्ट्रिंग, लूज होगी। सोचिए आ यस गया समझ में। यस अब उस चीज को यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं, ये M2 ब्लॉक है अपना, ध्यान से सुनना। ऊपर उछल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, अब इसका एक्सेलरेशन है जी नीचे। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, अभी तो तुम यहाँ G/2 बता रहे थे, अभी जी बता रहे, ये G/2 एक्सेलरेशन कब तक, जब तक वो कंस्ट्रेंड में है, करेक्टेड है। अब M1 अगर ग्राउंड पे टच करा और M2 ऊपर आ गया तो स्प्रिंग लूज हो गई है, वो ब्लॉक अंडर ग्रेविटी उछल रहा है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट में वो जंप कर रहा है, कंस्ट्रेंड यस में जंप नहीं कर रहा हूं। जब तक वो कंस्ट्रेंड में चलेगा G/2 के एक्सेलरेशन से चलेगा, जैसे ही कंस्ट्रेंड से वो फ्री होगा तो वो एक फ्री फॉल वाले मोशन में जाएगा, एक फ्री अंडर ग्रेविटी वाले मोशन में चला जाएगा। समझ आ गई बात, आना बोले जल्दी जल्दी यस नहीं सर तो यस लेक्चर बहुत देर तक होगा। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट एडिशनल निकालते हैं, S इज इक्वल टू लगाएं UT+ ½ AT2। अरे वेल इसमें टाइम तो दिया नहीं है तो हम ये टाइम वाली ले नहीं सकते इक्वेशन, इन दी अबव फ्रॉम द एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय M2 व्हाइल कमिंग टू रेस्ट, मतलब पूरा ऊपर जाने तक, ठीक है तो हम ले सकते हैं ये वाली इक्वेशन ले सकते हैं हम, V² = U² + 2A एडिशनल हाइट h, पूरा ऊपर जाकर रुकना, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने जंप शुरू करा 2² - 2 × 10 × h। अब बोलो माइनस क्यों लिखा, अब तक प्लस लिख रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, इसे जाना है ऊपर, आपको g का वैल्यू लेना पड़ेगा, या g इसलिए लिया क्योंकि ये फ्री मोशन है, कंस्ट्रेंड नहीं है ये, ठीक हो गई बात। 4 = 20 × h, therefore h = 4/20 h = 1/5 0.2 meter which I can write 26 20 seconds। एक पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपने इसको ट्राई कर, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा डेटा फर्क आ गया आपका होमवर्क। ठीक है आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी, जरूरत पड़ने पे आप रिकॉर्डिंग्स देखें, रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ इनके नोट्स अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, नोट्स से रीड करें, बट एनी हाउ उन क्वेश्चन को आप फिर एक बार सॉल्व करें, फिर एक बार प्रैक्टिस करें, दैट आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को हैंडल कर पाए। जय हिंद।